दोस्तों फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने कुछ ऐसे परमानेंट प्लांट्स के बारे में बताना चाहूँगी जिन्हें आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और उनसे अभी समर्स में आप बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग ले सकते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए आते हैं अपने टॉपिक पर। फ्रेंड्स, मेरा पहला जो प्लांट है वो है ओलियंडर यानी कि कनेर, और ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है फ्रेंड्स। इसको तो मैंने कटिंग से ग्रो किया है, और अगर आप इसे इस टाइम अपने गार्डन में ऐड करते हैं तो ये आपके गार्डन में बहुत अच्छी समर में फ्लावरिंग करेगा। और ये समर का ही फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन ये पूरे साल आपके गार्डन में रहेगा। ऐसा नहीं कि विंटर में ये मर जाता है या नहीं चल पाता, बस फ्लावरिंग नहीं करेगा ये। फ्रेंड्स, कनेर की एक दूसरी वैरायटी है छोटी, जिसमें येलो और ऑरेंज फ्लावर्स आते हैं, और ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है फ्रेंड्स। देखिए, आप फिर से ग्रो न्यू ग्रोथ ले रहा है, और इसे भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। पूरे साल ये अपने गार्डन में बना रहेगा, बस विंटर में थोड़ा सा फ्लावरिंग बंद कर देता है, और गर्मियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है ये। फ्रेंड्स, जो मेरा तीसरा प्लांट है वो है अलमंडा का, और ये भी फ्रेंड्स बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। विंटर्स में फ्लावरिंग नहीं करता, डॉर्मेंसी में चला जाता है। उसके बाद आप देख रहे होंगे, अभी न्यू ग्रोथ ले रहा है, इसे सारी लीव्स अपने ड्रॉप कर दी, अभी फिर से न्यू ग्रोथ ले रहा है। बहुत अच्छी ब्लूमिंग करता है फ्रेंड्स ये, और इसे भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं अभी। और बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, इसमें कई सारे कलर्स आते हैं, आप जो भी आपको पसंद हो अपने गार्डन में आप ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो मेरा अगला प्लांट है वो है चांदनी का। ये तो खैर मेरा मिनी चांदनी, आप चांदनी की कोई भी वैरायटी ऐड कर सकते हैं, डबल चांदनी या नॉर्मल वाली, जो इसी में इसी प्लांट की एक नॉर्मल वैरायटी भी आती है, आप उसे ऐड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी ब्लूमिंग करते हैं समर्स में, और ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। देखिए, फिर से मैंने इसको थोड़ी सी कटाई छटाई कर दी थी, फिर से ये न्यू ग्रोथ ले रहा है। फ्रेंड्स, मेरा जो अगला प्लांट है वो है चंपा। चंपा तो एक बहुत ही हार्डी प्लांट होता है फ्रेंड्स, और इसको मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है। अगर आप इस टाइम इसकी कटिंग लगाना चाहते हैं तो इसकी कटिंग से भी इसको लगा सकते हैं, और मैं आपको सजेस्ट करूँगी इसे आपको अपने गार्डन में ज़रूर से ऐड करना चाहिए। और फ्रेंड्स, ये विंटर में फ्लावरिंग नहीं करता, और जैसे जैसे जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी उतनी ही अच्छी आपके गार्डन में फ्लावरिंग करेगा। और फ्रेंड्स, कम से कम ये अक्टूबर नवंबर तक फ्लावरिंग करता ही रहता है, यही 2-3 महीना खाली रेस्ट लेता है ये, और बहुत ही अच्छा, बहुत अलग अलग कलर्स में फ्रेंड्स ये भी आते हैं, आप इसे अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरा जो अगला प्लांट है वो है स्थल कमल। फ्रेंड्स, इस ये तो कलर चेंजिंग फ्लावर प्लांट है, और आप इसे भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं इस टाइम पर, और ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है गर्मियों में, और ये भी फ्रेंड्स करीब नवंबर के लास्ट तक फ्लावरिंग करता ही रहता है, और बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। बस इसका थोड़ा सा विंटर में डॉर्मेंसी में चला जाता है 2-3 महीने के लिए, उसके बाद ये फिर से अपनी अच्छी देखिए न्यू ग्रोथ निकाल रहा है, और ये फिर से फ्लावरिंग पर आएगा। फ्रेंड्स, मेरा जो अगला प्लांट है वो है मधुमालती है फ्रेंड्स, और ये भी बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग करता है गर्मियों का और फ्रेंड्स ये हाइब्रिड वैरायटी है, इसकी बेल वाली वैरायटी भी आती है, आप दोनों में से चाहे कोई भी इसको अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और विंटर में इसने सारी लीव्स गिरा दी थी, और फिर से देखिए अच्छी सी फ्लावरिंग ग्रोथ ले रहा है। फ्रेंड्स, मेरा अगला प्लांट है टिकोमा। फ्रेंड्स, ये टिकोमा की बुश वाली वैरायटी है, और इस टाइम इसको अपने गार्डन में आप ऐड कर सकते हैं। गर्मियों का बहुत ही हैवी ब्लूमिंग वाला प्लांट है ये, और इसमें भी ढेरों सारे कलर्स आते हैं, और इसे भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरा जो अगला प्लांट है वो है इफोर्बिया मिली। आप इसे भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, गर्मियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है ये। और इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं फ्रेंड्स, अगर मैं नाम बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन ये कुछ ऐसे प्लांट थे जो नॉर्मली हमें नर्सरी में मिल जाते हैं, या कटिंग के ज़रिए हम इसको अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, और ये बहुत परमानेंट हमारे गार्डन में बने रहते हैं। बस कुछ महीने के लिए, 1-2 महीने के लिए फ्रेंड्स ये रेस्ट में चले जाते हैं, और मैं आपको कहूँगी इन्हें भी अपने गार्डन में ज़रूर से ऐड कीजिए। फ्रेंड्स, बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।